झाजिम मोर्चा के नेता पर उज्जैन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्यवाही को लेकर गुरुवार को भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। भाजपाइयों के साथ उज्जैन के वाल्मीकि समाज के लोग भी विरोध में उतरे और उनकी मांगे न माने जाने पर सफाई व्यवस्था भंग करने की बात कही। गौरतलब है कि उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में नागरिकता कानून के विरोध में किया जा रहे धरने को हटाने को लेकर भाजयुमो नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर महामंत्री योगेश सांगते का दो दिन पहले उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में नागरिकता कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे वर्ग विशेष के लोगों को हटाने की मांग करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए योगेश सांगते पर रसूखा के तहत कार्यवाही की थी। इसी कार्यवाही का विरोध करते हुए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, पूर्व सांसद महापौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। चूंकि भाजयुमो नेता वाल्मीकि समाज का युवक है, इसलिए की गई कार्यवाही के विरोध प्रदर्शन में भाजपा के साथ वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी गण और अन्य समाजजन भी उपस्थित थे। सफाई कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि यदि वाल्मीकि युवक पर की गई कार्यवाही वापस नहीं ली गई तो पूरे शहर के सफाई कर्मी काम बंद करेंगे, जिसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ेगा। आदर्श महापंचायत वाल्मीकि समाज के द्वारा इस धरने का आयोजन किया गया था। उस धरने में हम सब भी शामिल हुए हैं, क्योंकि एक अनुसूचित कार्यकर्ता योगेश सांगते, जिसके खिलाफ रासुका लगाई, यह जो शासन है ये कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है, जबकि महाकाल का रोड है यदि आप देखें तो 10 दिन से बंद है, वहाँ ये कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बंद कर रहे हैं। अशोक देवड़ा जो हमारा कार्यकर्ता है उसको भी उनने बंद किया और साथ में कई लोगों को। आज मैं आके एसपी और कलेक्टर से कहना चाहता हूँ, यदि तुमको बंद करने की ताकत है तो हमको रासुका में बंद करो, हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को रासुका में बंद करने की कोशिश मत करो। नहीं तो जो इमरजेंसी में हुआ था, इमरजेंसी को याद रखो, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ है। आज आप उज्जैन की स्थिति यदि कोई बिगाड़ रहा है तो यहाँ का प्रशासन और यहाँ का शासन और कमलनाथ इसका जवाबदार है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजगढ़ के अंदर कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लप्पड़ मारा, कमलनाथ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यदि कमलनाथ सच्चा है तो कम से कम उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करता, उसको सस्पेंड करता। प्रजातंत्र के अंदर किसी को भी अधिकारी को लप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। आज हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वो वीडियो पे झट बता देते हैं, कहते हैं इसने ये बोला और ये जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे पास भेड़ूगढ़ के ही एक सैयद सोहले जो भेड़ूगढ़ के हैं, ये गृह मंत्री के खिलाफ साथ में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अनशन जो डाल रहे हैं, क्या ये चूड़ी पहन के बैठे हैं? पहले उनको क्यों नहीं पकड़ते? हमारे शरीफ कार्यकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। इसलिए वो जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सांगते के साथ अन्याय हुआ, पूरा का पूरा समाज खड़ा हुआ। आज हम सब इसीलिए खड़े, जब तक नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि महाकाल का रास्ता खोलो, वो नहीं तो जितने अधिकारी बैठे हैं ये सब इस्तीफा दे के भोपाल जाए और चूड़ियाँ पहन ले। मुझे ऐसा आज दिन तक, मेरे को 50 साल तक राजनीति करते करते देखा है, हमारा भी कई बार शासन रहा है, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवर शासन हम पहली दफे देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के कहने पे काम कर रहा है, कलेक्टर भी वैसे ही कर रहा है, एसपी भी ऐसे ही कर रहा है, वो जिसके बाद उनमें ताकत है तो सबसे पहले रासुका में मुझे बंद करके दिखा। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। महाकाल के प्रति हम सब लोगों की आस्था है और पूरे देश में भगवान महाकाल के नाम के दर्शन करने पूरे विश्व से लोग आते हैं। हम भी भगवान के उसमें अनुयायी हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान के प्रति हमारी आस्था है। पर जिस प्रकार नियमानुसार सीए के विरोध में जो महाकाल भगवान के नाम पे बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिन्होंने कहा है कि हम लोग उज्जैन में अशांति फैला देंगे, तो ऐसे अशांति फैलाने के खिलाफ, फैलाने वाले के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है और प्रशासन को चेतावनी देने के बाद
तो हम लोग इस प्रकार सोचना चाहिए, भगवान को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म और भगवान तो हमारे आस्था के प्रतीक है, लेकिन राजनीति से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जो राजनीति से जोड़कर आज जो बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, ये सरासर जो संविधान के खिलाफ। ये अच्छा दूसरा बोल रहे कि रोड ब्लॉक कर रखा है। कोई रोड ब्लॉक नहीं है, हम लोगों ने जो जानकारी हम लोग 8 रोड भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जिस रोड पे ये धरना प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे बैठे हैं, वो शांतिप्रिय तरीके से पिछले दिनों से अनुमति लेकर उस रोड पे बैठे, और आधा रोड रास्ता चालू है, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं। आज जो है वाल्मीकि समाज और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए, और उन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक और डीएम महोदय के नाम पर एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उनकी मांग रही है कि जो है युवा मोर्चा का महामंत्री है योगेंद्र सांगते, उनको जो है गलत रासुका की गई है। लेकिन पूरे प्रकरण में ये जानकारी में आया है कि 2 दिन पूर्व उनके द्वारा महाकाल मंदिर प्रांगण में आपत्तिजनक कुछ चीज़ें कही थी, और उसको लेके जिला प्रशासन द्वारा कल जो है रासुका की गई है और वो प्रभावशील की गई है। और साथ ही साथ उनकी ये भी मांग थी कि महाकाल के बाजू वाला जो रास्ता है उसको खुलवाया जाए। तो इन सब दोनों मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन की समीक्षा की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।